इस वक्त की बड़ी खबर से इंदौर से बड़ी खबर, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन इस वक्त जारी है। बीजेपी सांसद शंकर लालवानी के घर पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। पुलिस ने सांसद के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। दीपक यादव हमारे सहयोगी लगातार यहां पर बने हुए हैं। दीपक, इस वक्त क्या कुछ नजारा आप देख पा रहे हैं, किस तरह का माहौल है यहां पर? देखिए, बिल्कुल मेरे ठीक पीछे यहाँ पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो लगातार उनका प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर शंकर ललवानी के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर बैरिकेडिंग कर यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोका गया है, लेकिन वो लगातार कोशिश कर रहे हैं बैरिकेड तोड़ने की। और देख सकते हैं कि अपने साथ में वो काले गुब्बारे और सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता काले कपड़े पहनकर यहाँ पर विरोध जताने के लिए आए हैं और लगातार उनकी कोशिश ये है कि वो बैरिकेड तोड़कर शंकर ललवानी के घर तक पहुंचे और लगातार उनकी मांग ये है कि शंकर ललवानी उनसे मिलने के लिए आए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो शंकर ललवानी के ठीक घर के सामने यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं का भी जमावड़ा लगा हुआ है, जो कि वो भी दोनों तरफ से नारेबाजी इस वक्त चल रही है। एक तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो भाजपा समर्थित हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो शंकर ललवानी के ठीक घर के सामने यहाँ पर मोर्चा जमाए बैठे हुए हैं। पहले इनके द्वारा कहा गया था कि वो यदि शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता आते हैं तो उन्हें पुष्पहार और इसके अलावा पानी बांटकर वो उनको उनका स्वागत करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ यदि विरोध प्रदर्शन उग्र होता है तो उसका जवाब भी उसी तरीके से दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर गहमागहमी की स्थिति बनी हुई है। लगातार यहाँ पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो बैरिकेड के पीछे यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जो नारेबाजी है लगातार केंद्र सरकार और सांसद शंकर ललवानी के खिलाफ है। और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की यही मांग है कि शंकर ललवानी यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए और देख सकते हैं कि काफ़ी नारेबाजी यहाँ पर जारी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने भी यहाँ पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्थाएँ की है और यहाँ पर किसी भी स्थिति में बैरिकेड को नहीं तोड़ने दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस यहाँ पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है और पूरे थाने के बल को यहाँ पर लगाया गया है ताकि कोई भी कांग्रेसी कार्यकर्ता आगे ना बढ़ पाए और उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है। और कांग्रेसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं और उसमें तमाम जितने भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, यूथ कांग्रेस है, इसके अलावा NSY और तमाम पदाधिकारी इस वक्त उनकी नारेबाजी जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस लगातार कोशिश कर रही है इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने की तरफ। इसके अलावा जो शंकर ललवानी का मेन गेट है घर का, वहां पर भाजपाइयों ने भी अपना मोर्चा जमा कर रखा हुआ है। जी चलिए दीपक, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना रखे, फिलहाल उग्र प्रदर्शन जारी है और कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। बीजेपी सांसद शंकर ललवानी के घर पर विरोध प्रदर्शन इस वक्त किया जा रहा है। अब केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, आमने सामने हो गए हैं कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। पुलिस ने सांसद के घर की सुरक्षा बढ़ा दी है। बड़ी खबर आपको इंदौर से दिखा रहे हैं और ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में जिस तरीके से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं काले लिबास में यहाँ पर सांसद का घेराव करने के लिए पहुंचे, विरोध जता रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो बीजेपी के हैं उज्जैन के जो तस्वीरें हैं उज्जैन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सांसद का विरोध लगातार देखने को मिला। प्रदेश भर में आज कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, सांसदों के घरों का घेराव कर रही है। इस वक्त बीजेपी सांसद शंकर लालवानी इंदौर में यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। यहाँ पर पहले से बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो भी मौजूद हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई है लगातार और भारी सुरक्षा यहाँ व्यवस्था की गई है। सांसद के बंगले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं आज कांग्रेस के प्रदर्शन की, पहली इंदौर की, दूसरी उज्जैन की, और दोनों ही जगहों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस ने सांसदों के घर पर हल्ला बोला है। और काले लिबास में इंदौर में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता वो पहुंचे हुए हैं, लगातार बैरिकेडिंग पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेड्स लगाए गए हैं, लेकिन बैरिकेड्स पर चढ़कर उसे पार करने की कोशिश करते हुए भी कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। उज्जैन में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर भी सांसद के बंगले के आगे में इस वक्त कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार।
ये प्रदर्शन प्रदेश भर में किया जा रहा है और इससे पहले छत्तीसगढ़ में भी सांसदों के बंगलों का, उनके घरों का घेराव किया गया था। और आज मध्य प्रदेश में यहाँ पर सांसदों के बंगले के सामने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो केंद्र से बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि दिलवाने के लिए कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। आज प्रदेश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के जो सांसद हैं उनके बंगले का घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इंदौर में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ चुके हैं। यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। दीपक यादव हमारे सहयोगी लगातार इंदौर से हमें अपडेट्स दे रहे हैं। दीपक, जिस तरीके से यहां पर हम पहले भी बात कर रहे थे, जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, इस वक्त क्या हालात बताएं? चलिए दीपक, आपके पास वापस लौटेंगे।